हाय गाइस, कैसे बाल? तो आज मैं क्रिएट करूंगी इंस्पायर्ड लुक अंगूरी भाभी का, जो कि भाभी जी घर में है। यार क्या कॉमेडी सीरियल, लाइक बहुत ज़्यादा चला है, हम तो बहुत देखते थे हमारे घर पे। और ये नींद है कि मेरी मुझ चिपक जाती है रात को, दिन में भी नहीं सो पा रही। 4-5 दिन से मेरी नींद कम्प्लीट नहीं हो पा रही है। रात में जगने के लिए दिन में सोना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मैं सो नहीं पा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर ना मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक होगा क्रिएट। तो लास्ट तक बने रहना, फुल इन्जॉय करोगे आप भी देखते देखते। तो स्किन केयर कर रहे हैं, मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, एकदम चिपचिपा मॉइस्चराइज़र है। बाद में लूँगी, कब लूँगी पता ही नहीं। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ प्राइमर। अच्छे से फेस को लगा लेंगे हम अपने, ताकि अच्छे से पोर्स फिलिंग हो जाए, ताकि जो हम फाउंडेशन लगा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से लग जाए। अब यहाँ पर मैंने आईब्रोज को शेप दिया और उसी शेप के अकॉर्डिंग मैंने कंसीलर भी ड्रॉ किया है, ताकि और भी आईब्रोज हमारी शार्प दिखे। अंगूरी भाभी की पतली सी एंड बड़ी बड़ी आईब्रोज थी, जैसे मेरे पे सूट हो रहा है मैं वैसे कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा अपने अकॉर्डिंग भी करना चाहिए, ठीक है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर अ एंटरटेनमेंट पर्पज, कोई भी गलत तरीके से मत सोचना कि जब अंगूरी भाभी बनने चले आई है। यार हर चीज़ के, हर सेलिब्रिटी के फैंस है, उनमें से मैं भी कुछ हूँ, जो अब छोटे 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 क्रिएट करते जा रही हूँ लुक्स, ताकि मैं भी कुछ अच्छी अच्छी ज़्यादा समझ सकूँ, बटोर सकूँ। अब मेकअप कर रही हूँ तो, क्योंकि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये भी करूँगी। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि मैं मेकअप करूँगी। यार सच बता रही हूँ, मैं कभी नहीं सोचा, मैं मेकअप वालों में से थी ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। पर अब मैं अपने फोन लगा रही हूँ फाउंडेशन, यहाँ पर लगा रही हूँ। मैं बार बार भड़क जाऊँगी अगर बातें करने बैठी ना, तो बहुत बातें करती हूँ फिर। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन, अपने बेस को अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से मैंने लगाया फाउंडेशन, डैबिंग मोशन में किया है और हो चुका है फाउंडेशन। उसके बाद लगाएंगे कंसीलर, अपनी अंडर आईज एरिया पे लगाते हैं, नोज़ पे लगाते हैं, फोरहेड पे एंड माउथ के अराउंड में लगाते हैं। कंसीलर यार अपने मेकअप में आप इंक्लूड करो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे इसकी इंपॉर्टेंस तो एक दिन समझ में आई, तब से मैं इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कंसीलर, ठीक है। मैंने बताया था एक वीडियो में, अब याद नहीं है कि किसमें बताया था, बट अब मैं कर रही हूँ थोड़ा 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 कॉन्टोरिंग। अब मैं यहाँ पे इनसाइड का लूज पाउडर, जो कि नया है मेरे लिए, तो इसका जो स्पॉन्ज था मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे पकड़ूँ और मैं कैसे इसके साथ यूज़ करूँ, बट ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगी, क्योंकि आज पहला दिन था इनसाइड के पाउडर के साथ। एक ट्रस्ट मी, आपका अगर डस्ट की स्किन है, सावली स्किन है, तो परफेक्ट है ये शेड पाउडर आप लोगों के लिए। बनाना लूज पाउडर है ये, बनाना है ये, बनाना तो नहीं देखी बट बनाना शेड का दिख रहा था, बहुत ही अच्छा पाउडर था। उसको मैंने लगा के सेट करा, एक्स्ट्रा जो फॉलोट हुआ था वो मैंने एक्स्ट्रा थ्रू आउट कर दिया। अब आईब्रोज को फील करेंगे, डार्क वाली मैंने ब्लैक शेड लिया है हल्का हल्का। अब इतना ध्यान रखना है गाइस, अगर आप फील कर रहे हो तो आपके हेयर कलर से आपकी आईब्रोज ना लाइट होनी चाहिए, वो अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं करती है अदरवाइज। अब मैंने ये डार्क ब्राउन शेड लिया है, एज अ आईलिड पे मैं आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। अच्छी तरीके से फील किया है आई शेडो को, और उसके बाद मैं क्या करूँगी अभी बताऊँगी। एक ऑरेंज शेड लिया है छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, उसको आपको ब्लेंड कर देना है, दोनों कलर को स्मज कर देना है, तो ट्रांजिशन भी हो जाएगा एंड आई शेडो भी। अब लगाएंगे हम आईलाइनर। तो आईलाइनर आप देख सकते हो कि बहुत ही प्यारा सा सटल सा लाइनर है, जैसे गाय की आँखें आप देखेंगे, गाय की आँख कितनी सुंदर होती है ना, वैसे ही आईलाइनर मैं ड्रॉ करूँगी। एकदम अच्छा सा काजल जाएगा विंग लाइनर के साथ, और थोड़ा सा मोटा काजल लगाना है, और काजल आपको भर भर के लगाना है एटलीस्ट, मतलब जो वाटर लाइन है उसको अच्छे से फील कर देना है। और काजल और लाइनर की जो जो एंडिंग पॉइंट है उनको मैंने जोड़ा है, सो दैट कि हमारा वो गाय वाली आँखों का लुक दिखे। थोड़ा सा बहुत ही अनोखा सा स्टाइल है इनका, अंगूरी भाभी का, और देसी गर्ल देसी लेडीज वाला कुछ है। तो मैंने कर्ल किया और मस्कारा अप्लाई किया अपर एंड लोअर लैशेज पे। अब ब्लश लगाया हुआ है पिंक कलर का, लिटिल बिट ऑफ पिंकी चाहिए हल्का, तो मैंने लगाया हुआ है हल्का हल्का ब्रश, रोज पे नहीं लगाना है इसमें। अब ये इनसाइड का मेकअप फिक्सर था, जो स्मेल था थोड़ी सी मैं स्मेल से डिसअपॉइंट हूँ, अदरवाइज काम बहुत अच्छा करता है, तो वही सूंघ रही थी मैं स्मेल कैसी है। तो लिप को थोड़ा सा किया पहले मैंने मॉइस्चराइज़र। अब ये है क्या 300 रुपये की थी, भाई साहब पैसा वेस्ट है, कुछ भी नहीं कर सकते। ऊपर से मैंने ना यहाँ पे लाइट पिंक शेड की लिपस्टिक लगाई हुई थी, उसको लिप लाइन किया हुआ है। लिपस्टिक लगाने के बाद मुझे ज़्यादा पसंद है लिप लाइन करना, ताकि मेरे बिगड़े ना कुछ चीज़ें हो जाता है। अब लगाएंगे हम हल्का हल्का हाइलाइटर,
ताकि हमारे लुक को और भी अच्छा लुक मिले, है कि नहीं। ये लगाने के बाद अब देखेंगे हम फाइनल लुक कि मैंने कैसा ड्रेप किया है। मंगलसूत्र था वैसे मैंने वेयर किया, झुमके थोड़े बहुत थोड़े थोड़े थे वो कर लिया, बिंदी लगाया, सिंदूर लगाया, और देखो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये वाला लुक, मुझे कमेंट करके बता। एक जो तिल होता है ना वो भी मैंने लगाया था अपने फोटो के ऊपर। तो गाइस कैसे बा, अब मुझे बताओ ये वाला लुक कैसा लगा आप लोगों को। बल तो मुझे बोलना आता नहीं है, बट ठीक है, मैं शायद डायलॉग बोल रही थी, सही पकड़े हैं क्या था यार। मतलब हर एक डायलॉग उसमें इतना अलग तरीके से बोला जाता ना कि दिल में बैठ जाता, जैसे कि गुइया गुइया वाला वो सब छोड़ छोड़। अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं, अगर पसंद आ जाए तो शेयर भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।